हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं जो मेरा कॉलेज जहां पर सेंटर पड़ा था एसएससी सीजीएल का, उसके सेंटर से बाहर निकला हुआ हूं। एसएससी सीजीएल सेकंड शिफ्ट 2 दिसंबर, तो आपको बताता हूं कि कैसा मेरा पेपर आया स्क्रीन पर ले जाकर। बट उससे पहले ये कॉलेज दिखा देता हूं। देखिए ये ट्रिनिटी है, भोपाल में मेरा सेंटर है ट्रिनिटी करके, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, और यहाँ से आपका एंट्री है, ठीक है। तो आप बताइएगा आपका कहाँ पर सेंटर पड़ा हुआ है नीचे कमेंट में, ठीक है। मेरा अभी सेकंड शिफ्ट में था 11:45 से लेकर 12:45 तक। तो कैसा मेरा पेपर रहा ये सारी जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूँ अभी स्क्रीन पर जाकर, ठीक है। तो स्क्रीन पर चलते हैं और पूरा जानकारी बताता हूँ डिटेल में कि क्या क्या आपको पूछा जा रहा है, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका एग्जाम 2 दिन बाद 3 दिन बाद है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आपका क्या क्या पूछा गया था एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका रीजनिंग खुला था कि रीजनिंग कैसा आया। उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मैंने वीडियो बना रखा है लास्ट 5 साल का कट ऑफ और वेकेंसी की, कितनी वेकेंसी थी और कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, हर कैटेगरी का मैंने बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से। और ये भी बताया कि इस बार कितने नंबर वाले पास होंगे, ये भी मैंने बता रखा है। तो आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर मिल जाएगा चैनल पर ऊपर ही। इसके अलावा देखिए ये मैंने एडमिट कार्ड से रिलेटेड बनाया था कि अभी एक लड़की आई थी मेरे सामने, उसको बाहर जाने दिया क्योंकि उसके एडमिट कार्ड पे क्या था, जो डेट ऑफ बर्थ थी, और मैंने इसमें हाईलाइट करके बताया था कि क्या दिक्कत थी। तो डेट ऑफ बर्थ के कारण उसको वहाँ पर एंट्री नहीं मिली और उसको घर वापस भेज दिया गया था। तो आप ये वाली वीडियो देख लेना कि एडमिट कार्ड के साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है, ठीक है। ये वीडियो भी आपको चैनल पर ऊपर ही मिल जाएगा, तो आप इसे देख के जाना, ठीक है, जब भी आपका एग्जाम है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका पेपर छूट सकता है, ठीक है। और ये भी बता रखा था कि कितने इस बार फॉर्म फिलअप हुए हैं, क्या कंपटीशन है सारा, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आपका पूछा गया एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है। तो दोस्तों बता दूँ रीजनिंग एकदम हलवा आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, हलवा आ रही है ना। बट ये है कि उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग वाले जो सेक्शन होते हैं ना आपके, कोडिंग डिकोडिंग वाले, देखिए मैं यहाँ पर पूरा पेपर आपको रिवील नहीं कर सकता। मैं आपको हिंट दे दूंगा कि इस टॉपिक से आ रहा है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है, बट आपको क्वेश्चन में नहीं बता सकता, ये एसएससी गाइडलाइन के खिलाफ है, ठीक है। तो एसएससी भी अगर ये वीडियो देखेगा तो उनको भी बोल दूं कि मैं कोई भी यहाँ पर प्रश्न नहीं बताने वाला हूं। अगर कोई बताता है वो एसएससी की गाइडलाइन के खिलाफ है, उसके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है, यहाँ से जो इस ये चैप्टर है, यहाँ से आप मान के चलिए 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से करके आइए, चाहे वो नंबर सीरीज के फॉर्म में हो कि नंबर दे दिया सीरीज चल रही है, जैसे 231 425 इस तरीके से सीरीज बढ़ती आ रही है, फिर ये वाला, इस तरीके से 3 क्वेश्चन थे मेरे में। और इसके अलावा जो था ABCD करके, ABCEFG इस तरीके से करके 2 से 3 क्वेश्चन इस तरीके से थे। फिर वो वाले थे जैसे 3 संख्याएं दे दी हैं, 2 5 9 है ना, 2 5 9, और एक संख्या और दे दी ऐसे 3 4 5, और फिर बताया कि ऑप्शन बताइए कि इन दोनों में ये इस तरीके का, इनको कैलकुलेशन करने के बाद कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, ठीक है। तो मतलब जो कोडिंग टू कोडिंग वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें नॉन वर्बल जो है, वहाँ से देखिए जो आपका बैटर इमेज पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा जो वो होता ना सीरीज के, इसके बाद कौन सा फेंक रहेगा, और पेपर वो पूछा गया एम्बेडेड आकृति, कि ये वाली जो आकृति है किसके अंदर नहीं थे, ठीक है। इस तरीके के ये 4 से 5 क्वेश्चन थे, और 7 से 8 क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग वाले थे। इसके अलावा जो ब्लड रिलेशन था काफ़ी अच्छा पूछा गया, कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है, सिंपल वाला ब्लड रिलेशन नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें, डायरेक्शन नहीं था इसमें, और मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते ना, कि मतलब ये वैल्यू दे रखी, इसमें कुछ प्लस और माइनस को चेंज करिए, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, प्लस माइनस को चेंज कर दिए, या 5 और 6 को चेंज करिए, या इन दोनों को चेंज करिए, जो पूरी 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या, पेपर तो सिंपल था, उसके टाइम टेकिंग थे, हर ऑप्शन में आपको रख रख के चेक करना पड़ता। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे लगभग 3-4, तो मतलब एक ही टॉपिक को बार बार घुमा रहा, ठीक है। तो ये वाले थोड़े अच्छे से करके जाइएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके बाद सेक्शन खुलता है आपका जीके का, ठीक है, एक सेकंड। इसके बाद आपका सेक्शन खुला जीके का, कि जीके में क्या है, जीके में देखिए दोस्तों बता दूँ, जीके बहुत ही गंदा आ रहा है, मतलब बहुत ही गंदा, मेरे मात्र 9 अटैम्प्ट हो पाए थे, इतना गंदा जीके आ रहा है। मतलब कुछ भी उठा के पूछ रहे, कुछ भी, मतलब पता नहीं क्या पूछा, मतलब कोई सा साइंटिस्ट था, उसने वो कोई खोज की थी, वो इतना 3-3 लाइन का क्वेश्चन पूछ देके गया, और पूछा उसको किस नोवल मिला था, किस लिए मिला था, इस टाइप का क्वेश्चन। बम एक क्वेश्चन मैं बता नहीं रहा, कोई एक लेडीज़ हैं, वो किस जो है उससे रिलेटेड है, किस जो लोकगीत वगैरह होते हैं ना, किस डांस से रिलेटेड है, बहुत खतरनाक नाम था। इस तरीके के आर्ट एंड कल्चर से 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा मैंने टोटल किए हैं 9 क्वेश्चन, बड़ी मुश्किल से कर पाया, उसमें से भी जो मैंने चेक किए शायद 3 मेरे अभी तक गलत हो चुके हैं 9 में से, ठीक है। बाकी मैंने मतलब जिसमें डाउट था वही चेक किए, तो 3 गलत हो चुके हैं, है ना, और एक आध और हो सकता है हाईएस्ट, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये रहा है
ठीक है। और रीजनिंग में मैं बता दूं दोस्तों मेरे कितने थे, रीजनिंग में 23 थे, दो क्वेश्चन थे मैं कर देता, बट वो क्या थोड़ा थोड़ा टाइम टेकिंग थे, अब वो अब टाइम नहीं दे सकते इसलिए मैंने स्किप कर दी उसको, बन तो याद है पर वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे थे, कोई कोडिंग टू कोडिंग वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे ठीक है उसमें, ये था तो 23 वहाँ थे मेरे। और इंग्लिश जीके में थे 9, उसमें से 3 गलत हो चुके हैं ठीक है, जीके काफ़ी बस आ रही है ठीक है। तो जीके पे आप बिल्कुल डिपेंड होकर मत जाइए, बाकी अदर सेक्शन है उसको इंस्ट्रॉन्ग करिए, जीके बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड। एक और बता दूँ जनगणना से आप पढ़ के जा सकते हैं ठीक है, जनगणना वाला मेरा गलत हो गया, हालांकि मैंने जो पहले दिमाग में आया था मेरे पहली बार में क्लिक किया वो सही था, बट बाद में 2-3 सेकंड होगा तो ऑप्शन चेंज कर दिया तो काम तमाम हो गया ठीक है, क्वेश्चन में बता नहीं सकते यहाँ पे ठीक है। तो आप देख जनगणना पढ़ के जाइएगा ठीक है, और वो आर्ट एंड कल्चर वाला थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और बाकी आप भूल जाइए कि आपको क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से, बहुत खतरनाक है। इसके बाद चलिए मैथ्स से बात करते हैं, तो मैथ्स सिंपल आ रहा है ना, सिंपल आ रहा है, बट ये है कि थोड़ा अपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो क्वेश्चन जो है टाइप टेकिंग हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी वे में पूछ रहा है, पेपर क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिक घुमा घुमा के वो पूछ रहा है ठीक है ना। तो मैथ्स ओवरऑल सिंपल थी, लगभग आप 4 या 5 क्वेश्चन को छोड़ दें तो ओवरऑल लगभग सिंपल थी, आप 20 प्लस इजीली कर लोगे, 18 प्लस आप आराम से कर सकते हैं, अगर क्योंकि अगर टाइम को मैनेज करके करते हैं, टाइम मैनेज नहीं करोगे तो कम होंगे, जैसे मेरे मैथ्स में थे 11 ठीक है, क्योंकि वो टाइम मैनेज का हो गया, मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा समय दे दिया था ठीक है, और रीजनिंग पे। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इंग्लिश की। तो इंग्लिश बहुत ही ईजी आ रही है ठीक है, अब देखिए मैं हिंदी मीडियम से हूँ उसके बावजूद मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंदी काफ़ी जो है ईजी, वो सॉरी इंग्लिश जो है काफ़ी ईजी आ रही है हिंदी मीडियम से होने के बावजूद ठीक है, तो कहीं ना कहीं ईजी आ रही है ठीक है, जब मुझे ईजी लगी है तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो कितनी ईजी लगेगी ठीक है। एक पैसेज आ रहा 5 नंबर का, जो क्लोज टेस्ट होता है वो आ रहा है, बाकी है ना जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह होते हैं वो आ रहे हैं ठीक है, क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं, ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, बट ये कि ओवरऑल जो पेपर है आपका सिंपल आ रहा है। अगर आप लास्ट ईयर का जो और आप किसी का भी वीडियो देख लेना, या मतलब जो लास्ट ईयर का पेपर है ना वो देख लेना, वो उस जिस पैटर्न पे लास्ट ईयर पेपर पूछा गया सिंपल उसी पैटर्न पर इस बार भी जो आपका पेपर है वो आया, बहुत ही सिंपल पेपर आ रहा है दोस्तों, सही बता रहा हूँ इंग्लिश का। मैंने हिंदी मीडियम को होते हुए 22 अटैम्प्ट कर दिए, इसमें से ज़्यादा नहीं तो 16 या 17 सही होंगे आराम से ठीक है, वैसे हो सकता है पूरे ही सही हो जाए, फिर भी मैं एक्यूरेसी अपनी कम ही लेके चलता हूँ, हालांकि मैंने बहुत ही सोच समझकर ऑप्शन टिक किया था, फिर भी हो सकता है कि 2-4 गलत हो ही जाए ठीक है। तो ये अब मैं अपने टोटल अटैम्प्ट बता दूँ तो टोटल अटैम्प्ट मेरे काफ़ी कम है, पर ठीक है इतना है कि मेरा हो जाएगा, जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था ना, आप कट ऑफ वाला वीडियो देख लेना तो उससे आपको एक आईडी लग जाएगा क्यों। बट एक चीज़ और है दोस्तों, इस बार जो कट ऑफ की हम बात करें तो हाई देखने को मिलेगा, क्यों मिलेगा कि ओवरऑल जो पेपर है वो सिंपल है, बट ओवरऑल पेपर सिंपल है या लास्ट ईयर के बराबर कह सकते हैं ठीक है, बराबर ये देखिए ज़्यादा थोड़ा बहुत अंतर नंबर 5-10% का तो इतना मान सकते हैं ठीक है, तो पेपर ओवरऑल सेम है, थोड़ा सा सिंपल कह सकते हैं लिटिल बिट, तो 1-2 नंबर का गैप पड़ेगा लास्ट ईयर के कट ऑफ से, बट वैकेंसी इतनी ज़्यादा है कि जो कट ऑफ है आपका लगभग लास्ट ईयर के जो 5 साल का कट ऑफ है उसी के एवरेज में रहेगा ठीक है। तो आप ये वाला वीडियो देख लेना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना क्या कट ऑफ रहने वाला है इस बार है ना, और ध्यान रखना इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है गलती कर रहे हैं दोस्तों, मेरे सामने एक को भगाया है, सही बोल रहा हूँ ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो ये देख लेना सारे वीडियो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। और फाइनली जो मेरे अटैम्प्ट में बताया हूँ 65 है टोटल ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिए थे, और भी कोई अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, घर पर जाके मैं आपको जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे ना तो उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि इस टॉपिक से आ रहा है, तो वो वाला टॉपिक आपको कवर करा दूंगा, जैसे आर्ट एंड कल्चर है ना, जो जनगणना वाला है ना, तो इस टाइप से, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ठीक है। चलिए वीडियो चलो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।